तो कितनी उदास और परेशान क्यों हो कुछ नहीं ऐसे। यार? अब हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स नहीं हैं। देखो मुझे बताए बगैर परेशान होगी तो अकेले परेशान होगी, मुझे बता दोगी तो हम मिलके परेशान हो जाएंगे। मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं, पीछे पड़े। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं पहले कारोबार करूंगी, कुछ अपने लिए बनाऊंगी, फिर जाके कहीं सोचूंगी शादी के बारे में। किस मुल्क का शहजादा ढूंढ रहे हैं वो आपके लिए? मजाक उड़ा रहे हैं या तंज कर रहे हैं? नहीं, तुम जैसी हसीन लड़की के लिए किसी मुल्क का शहजादा ही ढूंढना चाहिए। मुझे कोई शहजादा नहीं चाहिए, मुझे बस एक आम सा इंसान चाहिए जो मेरा हमसफर बने और मेरी तरफ आप देखता हो। वैसे अब हमारे रास्ते एक ही हैं। तुम अभी मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो, और जब तुम्हें कुछ पता चला तो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तुमने कुछ झूठ बोले होंगे, वो तो सभी बोलते हैं। अली मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे बस एतबार करने से डर लगता। देखो तुम मुझे अच्छी लगती हो, और कहते हैं कि जब अच्छा इंसान कोई मिल जाए ना, और कहीं भी मिले, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मैं एक छोटे से मोहल्ले के घर में रहती। तो क्या हुआ, मेरे मॉम डैड ने भी एक छोटे से घर से स्टार्ट लिया था। तुम समझ नहीं रहे हो अली, मेरी जिंदगी में और तुम्हारी जिंदगी में बहुत फर्क। क्या फर्क है यार, ये बातें रिलेशनशिप्स में थोड़ी देखी जाती हैं, ये तो बिजनेस के वक्त देखी जाती हैं। जब एक दफा रिश्ता हो जाता है ना, तो फिर सब आंखें खोल के देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ एक दूसरे को देखने के अलावा किसी और चीज की फुर्सत ही नहीं होती। मेरी एक दफा शादी हुई थी, फिर सिर्फ मुश्किल से एक महीना चली और तलाक हो गई। इसके अलावा कोई चोरी, डकैती, मर्डर, बॉम्ब ब्लास्ट कुछ और किया? तुम्हें फर्क नहीं पड़ा मेरी तलाक की वाली बात सुनकर? अजीब तब लगता जब तुम्हारी शादी ना हुई होती। क्या मतलब? कि इतनी हसीन लड़की ने आज तक किसी को अपना दीवाना ही नहीं बनाया। पता है हम दोनों परफेक्ट कपल हैं, तुम्हें भी बिजनेस का शौक है, मुझे भी बिजनेस का शौक है, हम दोनों मिलके ग्रो करें। This is Maya Ali. So you have to subscribe the YouTube channel of ARY Digital.